आपको सिखाऊंगी यूज ऑफ ही एंड शी। हम ही का यूज करते हैं मेल्स के साथ, मेल्स मीन्स बॉयज मैन। तो जितने भी लड़के हैं, जितने भी आदमी हैं, हम उन सबके साथ यूज करेंगे ही का। जैसे आपका भाई है, आपके दादाजी हैं, आपके चाचा हैं, मामा हैं, अंकल हैं, आपके कोई सर है, तो वो सब कौन है? या तो वो बॉयज हैं या फिर वो मैन हैं। तो उन सबके साथ हमें यूज करना है ही का। एंड नाउ हम शी का यूज किसके साथ करते हैं? शी का यूज हम करते हैं फीमेल्स के साथ। फीमेल्स मतलब जितनी भी गर्ल्स हैं और जितनी भी वुमेन है, मतलब जितनी भी लड़कियां हैं और जितनी भी औरतें हैं, उन सब के साथ हम यूज करते हैं शी का। जैसे आपकी मदर है, सिस्टर है, ग्रैंडमदर है, आपकी कोई दीदी है, उन सब के साथ आप किसका यूज करोगे? शी का। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, डैश इज माय ब्रदर, वह मेरा भाई है। अब भाई कौन होता है? भाई एक लड़का होता है, तो हम यहाँ यूज करेंगे ही का। ही और शी का मतलब होता है वह। डैश इज माई अंकल, अब अंकल हम चाचा को भी कहते हैं, मामा को भी कहते हैं, और कोई नेबर भी हमारे रहते हैं उसे भी हम अंकल कहते हैं। तो अंकल कौन होते हैं? वो एक मैन होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही इज माई अंकल। डैश इज माई मदर, वह मेरी मम्मी है। अब मम्मी कौन होती है? वो एक औरत होती है, एक वुमेन होती है। तो हम यहाँ यूज करेंगे शी का, क्योंकि हम शी का यूज करते हैं फीमेल्स के साथ। डैश इज माई फादर, वह मेरे पापा हैं। अब पापा जो है वो एक आदमी है, और आदमियों के लिए हम यूज करते हैं ही का, कि वह मेरे पिताजी है। सो हम ही का यूज करते हैं बॉयज और मैन के साथ, और हम शी का यूज करते हैं गर्ल्स और वुमेन के साथ। मतलब ही का यूज मेल्स के साथ और शी का यूज फीमेल्स के साथ। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। सो प्लीज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।